हाय, कैसे हो? आई हो अच्छे होंगे। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आज देर रात लेट नाइट आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है आपको, यूनिवर्स का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर या आपकी सिचुएशन को लेकर। चले चेक करते हैं। तो अगर किसी को आप याद कर रहे हो, किसी के बारे में जानना चाहते हो, कोई व्यक्ति है आपके मन में तो उनको याद कर लीजिए या उनका नाम लेकर शेडिंग को वॉच कीजिए। तो देर रात क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ ये जो कोई भी व्यक्ति है ये आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो मोमेंट्स रहे हैं, जो पल रहे हैं, कोई हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं, ब्यूटीफुल मोमेंट्स रहे हैं, लवफुल मोमेंट्स रहे हैं, काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स रहा है इनके साथ आपका, वो सब याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर को आपका कोई पिक्चर है इनके पास, ठीक है, जिसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं, आपको किसी ड्रेस में इमेजिन कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को परवाह है आपके, ये आपको मिस करते हैं, आपको लव करते हैं, आपसे रीच आउट करना चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं तो, पर ये व्यक्ति दिखा नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपका परवाह करते हैं, काफ़ी करते हैं, पर दिखा नहीं रहे हैं आपको, पता नहीं क्यों, पर ये व्यक्ति आपसे कह नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखना, आपको स्टॉक करना ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके प्यार में है टोटली। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो कोई भी व्यक्ति हैं ये लॉयल हैं, काफ़ी राइट पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं, कि मुझे सिर्फ आपके दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई काफ़ी दीवाना है आपका, ठीक है, पर अपनी दीवानगी दिखा भी नहीं रहा है, ठीक है, आपसे प्यार बहुत करता है या करती है पर दिखा नहीं रहा है, ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना, आपको एनालाइज करना, आपको बस देखना, आप इनके नज़रों में काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी राइट हो, आप जैसे भी हो इनके लिए परफेक्ट हो, आपको चाहते हैं जय। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहते जिससे आगे चलकर निभा ना सके या पूरा ना कर सके, आपको कोई होप नहीं देना चाहते, आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहते, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं ये, ठीक है। इनको पता है इज़ अ पार्टनर या लाइफ पार्टनर इनको कैसा होना चाहिए, ठीक है, या एक लड़की या लड़का जो होता है अपने प्रेमी या प्रेमिका से या हस्बैंड वाइफ से क्या कुछ एक्सपेक्ट करता है, क्या कुछ उम्मीद करता है, तो आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं ये। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपकी ओर तभी आगे बढ़ना चाहते हैं जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके, आपके साथ पूरी तरीके से फेयर कर सके, ठीक है, आपके साथ जस्टिस कर सके या आप शादी कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति हैं, ठीक है, बिजनेसमैन वुमेन हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कैरियर में, ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर ये काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं, ठीक है, ये राइट नाउ क्या कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नज़र है आप पर कंटिन्यूसली, ठीक है, आप जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ पर भी आप हो, इनकी नज़र है, पीछे से देख रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपके सामने ज़रूर आएंगे बट अभी नहीं आ रहे हैं।
और क्या है इनके फीलिंग्स। यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे इस व्यक्ति की फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूवर्स क्या है। ओके ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए इनको, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, इनको आपका साथ चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है, इस व्यक्ति के फीलिंग्स ऐसा है कि जो खुशी, जो हार्मनी, जो पीस, जो हैप्पीनेस, जो लव आपके लिए फील कर रहे हैं, इन्होंने अब तक नहीं किया है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले पर्सन हो जो इनके लाइफ को खुशियों से भर सकते हो, या आपके साथ ज़िंदगी चाहते हैं, ये डेफिनेटली आपके साथ ज़िंदगी गुजर सकती है, आपके साथ खुशी खुशी लाइफ टाइम रह सकते हैं, ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इनको किसी को चुनना हो इज़ अ वाइफ हस्बैंड तो वो आप होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल सोच रखा है। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ आपकी राहें अलग हो गई थी। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाया था, या थर्ड पार्टी आपकी साइड से था कभी, या आपकी साइड से है। तो कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो कि दीवानगी की हद तक आपको प्यार करता है या करती है, जो कि आपको कंटिन्यूसली पीछा कर रहा है, आपको भूल नहीं पा रहा है और ना ही कभी भूलना चाहता है। इनकी फीलिंग्स ऐसा है कि प्यार हो गया है आपसे और अब किसी और के साथ नहीं हो सकता। अगर किसी के साथ शादी करनी हो या किसी के साथ रहना हो तो वो सिर्फ आप होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको धोखा मिला है अगर ये नए हैं, इनको धोखे मिले हैं या तो आपको मिला है, ये रीज़न हो सकता है कि अब तक आपके सामने नहीं आए हैं, ये अपना लव कन्फेस नहीं किया इन्होंने, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वक्त पहले आपका ब्रेकअप हुआ है या इनका हुआ है और ये आपके साथ सही से कनेक्शन में आना चाहते हैं, सही से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सही से मीन्स इनकी एनर्जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को भूलने के लिए आपका सहारा ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और नहीं ऐसा चाहते हैं कि ये सहारा बने। अगर साथ में आओ तो ऐसी आओ कि दोनों ही दूसरे के साथ जस्टिस कर सको, दोनों ही लवफुल एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ आओ, एक दूसरे का साथ पाओ, ये है इनकी फीलिंग्स। मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको है, इनको है या आप दोनों को ही है, तो ये सुलझाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन हो रही है आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ नहीं दिख पा रही हूँ। ऐसा भी चांसेस है कि इनका शादी किसी से टूटा है, या इनका ब्रेकअप हुआ है, पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, या तो आपका हुआ है, और ये खुद को या तो आपको टाइम देना चाहते हैं, ये जल्दबाजी नहीं चाहते हैं। ये कब तक आपके सामने आएंगे यूनिवर्स बताएं मुझे, ये कब तक मेरे व्यूवर्स के सामने आएंगे। ओके, जब ये क्लियर हो जाएंगे या आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनका कुछ पास्ट रहा है, ये तो आपका है पास्ट, तो इस व्यक्ति की क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, आपके साइड से या खुद के साइड से जब ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे का साथ निभा सकते हो ज़िंदगी भर, एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए इनफ हो, काफ़ी हो, कोई और थर्ड पार्टी नहीं, फोर्थ पार्टी नहीं, बस आप दोनों हो। जहाँ पर इन्होंने ऐसा महसूस किया कि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हो और एक दूसरे के साथ जस्टिस कर सकते हो, पास्ट को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हो,
बिल्कुल ये व्यक्ति आपके सामने आ जाएंगे या आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। इनका कोई पास्ट रहा है, ये तो आपका कोई पास्ट है, तो पास्ट से टोटली निकल कर, ये जब आप निकलोगे पास्ट से, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इनकी नज़र है आप पर, तो जब इनको लगा कि हाँ पास्ट से निकल चुके हो, अब एक दूसरे के साथ आशक्त हो, आप दोनों लव में हो एक दूसरे के, ठीक है, ना ही ये डाउटफुल एनर्जी में है, ना ही आप डाउटफुल एनर्जी में हो, यहाँ पर आप दोनों के बीच ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, लव है यहाँ पर, एक दूसरे के लिए लॉयल हो, कमिटेड हो, आ जाओ के साथ में, ठीक है। आई होप आप समझ के होंगे, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। गुड नाइट सर्जन, टेक केयर।